हाय फ्रेंड, अगर आप लोग टेक्निकल पर्सन हैं तो आप लोग सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। आज मैं आप लोगों को आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनाया जाता है अपने मोबाइल से, वो मैं आज आपको इजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो इसको लॉगिन भी कर सकते हैं और विदाउट लॉगिन भी आप इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं विदाउट लॉगिन पर ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, न्यू बोर्ड पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी नाम डाल सकते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग मैं डाल देता हूँ, तो इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ आप देखिए, आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग एक फाइल बन के तैयार है। ठीक है, तो उस फाइल को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यही आपका ड्राइंग करने का इंटरफेस है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आप इस पर ड्राइंग कर सकते हैं, ख़ास करके मैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग जिसको नॉलेज नहीं है कि, तो चलिए एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं, जो आपको बताया कि 30 डिग्री एंगल में आइसोमेट्रिक व्यू बनता है, ठीक है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए इसको 30 डिग्री पे लेके जाना है। तो चलिए मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, इस लाइन पे इसको रखना है। ठीक है, और इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए ये जो इंटरफेस है आपका, आइकन दिख रहा है प्लस का आइकन, ठीक है, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रोटेट यहाँ से करा सकते हैं और यहाँ 150 डिग्री एंगल पर आप इसको रख सकते हैं। इसको 150 डिग्री दे देते हैं। एक सिंपल सा मैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाऊंगा। ड्राइंग बनाने के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए और वीडियो को स्किप ना करें, ताकि बाद में आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं, लाइन ठीक से बनता नहीं है, कॉपी कैसे होता है, डिग्री कैसे बनेगा, ये सारा चीज़ आप लोग एक ही बार में देख लें। लास्ट में इसका मेजरमेंट कैसे डाला जाता है, कितना लेंथ है इनका, ठीक है, इस ड्राइंग का लेंथ क्या है, ये सारा जो है आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहले आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देखें और सीखें। ठीक है, तो अब इस लाइन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये इस लाइन को यहाँ दे दिए, जो जिस लाइन का जो भी डिग्री बना हुआ है उसी डिग्री में आपको लाइन बनाना है। इसलिए मैं कॉपी करके बना रहा हूँ, ताकि डिग्री में कोई चेंज ना हो। आप लोग का अगर डिग्री में चेंज होता है तो आप लोग डिग्री को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि 30 डिग्री में भी बन सकता है आइसोमेट्रिक व्यू, 45 डिग्री में भी बन सकता है। तो चलिए इस लाइन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इस लाइन को यहाँ पर रखते हैं। अब ये लाइन का ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक वर्टिकल छोटा सा लाइन लेना है। ठीक है, ये इसका जो मेजरमेंट है, आप मेजरमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, मैं डाल के भी दिखा दूंगा मेजरमेंट कैसे डाला जाता है। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक किया। ठीक है, चलिए अब इसको फिर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको फिर से कॉपी करता हूँ। इसी तरह मैं कॉपी करके ही बनाऊंगा। अब इस लाइन को फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ देता हूँ। ठीक है, अब इस लाइन को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ डाल देता हूँ। अब इस लाइन को क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ डालता हूँ। अब इस लाइन को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है आपका एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिख रहा है। ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे दिखे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। ठीक है, तो इस सारा लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, अब जो ये लाइन है इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ डालता हूँ, फिर से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ डालता हूँ। ठीक है, अब इस लाइन को कॉपी करते हैं
जो जैसा एंगल पर, जो जैसा जहाँ पे एंगल है उसी को कॉपी करना है। ठीक है, अब मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इस लाइन पे देता हूँ, इसको भी कॉपी करता हूँ, यहाँ देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, जैसे जैसे आपका ड्राइंग बढ़ते जाएगा उसी तरह इसका जो ड्राइंग करने का जो स्पेस है आपका इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका इतना छोटा स्पेस पर ड्राइंग कैसे करेंगे, ऐसा नहीं, आपका जितना बड़ा ड्राइंग होगा ये स्पेस इंक्रीज होते जाएगा, आप जितना बड़ा ड्राइंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको स्क्रॉल कर लें। ठीक है, अब इसको कॉपी किए, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ, अब जो है इसको कॉपी किए, कॉपी करने के बाद कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं इस लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ ला दें। ठीक है, अब आपको मेजरमेंट कैसे करना हो, एक सिंगल वर्टिकल लाइन लेना है। ठीक है, इसको इस सेंटर में रखना है। ठीक, चलिए मैं सेंटर में रख देता हूँ, और एक इसी लाइन का कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसमें एरो होना चाहिए, तो ऐसे एरो दे देना है दोनों साइड। ठीक है, इस एरो को आप यहाँ लगा सकते हैं, उसके बाद इस एरो को खींच के आप लंबा कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद कुछ इस तरह यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इस एरो लाइन को क्लिक करने के बाद ये जो है इस एरो लाइन को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, अब इसको जूम इन कर देता हूँ, अब इसमें मेजरमेंट डालना है। ठीक है, तो मेजरमेंट कैसे डालना है, मेजरमेंट डालने से पहले मैं एक राउंड शेप लेता हूँ, राउंड शेप लेने के बाद इसको कुछ प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, प्रेस करने के बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ। चलिए, ठीक है, अब मेजरमेंट कैसे लेना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्रीन पे कहीं पर भी आप डबल क्लिक कर सकते हैं, तो डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, कीबोर्ड में आप जैसे 1000 mm डाल सकते। ठीक है, आपका लेंथ जो भी मेजरमेंट में हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इसको ओके कर दें। ठीक है, अब इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको ये वाला आइकन पर क्लिक करना है, तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में आपका साइज दिया हुआ है। ठीक, इस साइज को हम चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद 25 कर देते हैं। ये देखिए 25 करने के बाद ये जो है बोल्ड कर दिए। ठीक है, इसको सेव कर दिए। ठीक है, अब इसको जिस एंगल में मेरा ड्राइंग बना हुआ है उसी एंगल में इसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको रोटेट करें, जिस एंगल में है उसी एंगल में आप रोटेट करके इसमें आप मेजरमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट देने का तरीका भी मैंने बता दिया आपको, डॉटेड लाइन कहाँ से मिलेगा, आपको एरो किस तरह का चाहिए, मैं दो तीन एरो भी बना के दिखा रहा हूँ और डॉटेड लाइन दे के दिखा रहा हूँ, आपको कलर करना है कलर का भी फंक्शन बता रहा हूँ। जैसे आपको इस राउंड को कलर करना है, कलर करने के लिए ये आपका आइकन दिखाई दे रहा है, तो इसको आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसको रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ लाइन का कलर चेंज करेंगे, ठीक है, तो आप सिर्फ लाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं, सिर्फ लाइन का कलर चेंज होगा। ठीक है, ये देखो, अब आपको इस लाइन को थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाना है, तो थिकनेस बढ़ाने के लिए इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिक करें, और इसको ये जो
ये जो प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला क्लिक करने पर इसका थिकनेस बढ़ेगा लाइन का, और ये माइनस वाला क्लिक करने पर इसका थिकनेस घटेगा। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसको। जैसे ही प्लस को क्लिक करेंगे इसका थिकनेस बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये मैं बढ़ा कर दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे कलर वगैरह आप थिकनेस वगैरह वगैरह आप चेंज कर सकते हैं लाइन का। ये मेजरमेंट जो है इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर चेंज करने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको रेड कर देते हैं, मैं तो दूसरा कलर डाल देता हूँ ब्लू। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कलर चेंज कैसे करें। ठीक है, इसको वाटर मार्क जैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, जैसे कहीं भी आप वाटर मार्क के तरह अगर कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह से आप वाटर मार्क के तरह इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फुल कर देता हूँ अभी। तो मैं एक लाइन लेता हूँ। ठीक, इस लाइन को हमको थिकनेस बढ़ाना है। तो थिकनेस कैसे बढ़ाना है, इस ये पेन वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए ऊपर जो प्लस का आइकन है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। माइनस वाला जो है वो थिकनेस कम होते जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले थिकनेस बढ़ा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, 5, 5.5, 6। ठीक है, ये थिकनेस बढ़ रहा है, माइनस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए 3 पर रखता हूँ। अब इसको आप डॉटेड लाइन कैसे बनाएं, तो डॉटेड लाइन बनाने के लिए आपको उसी पेन का आइकन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये जो लाइन वाला आइकन है, लाइन डैश लिखा हुआ है, तो उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए बहुत सारा डॉटेड लाइन है, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। चलिए मैं एक डॉटेड लाइन क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये डॉटेड लाइन आपका इंटरफेस में आ चुका है। अगर इसका भी कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेन वाला आइकन पर क्लिक करना है, इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डॉटेड लाइन को मैं फिलहाल प्लेन में लाता हूँ। ये देखिए इसका कलर जो ब्लैक था ब्लैक कर दिए। ठीक है, इसको ओके कर दिए। ठीक है, तो आप इस तरह का डॉटेड लाइन कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और आपको एरो कैसे बनाना, देखिए आप इसी तरह भी एरो बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, 2 लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, 2 लाइन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, ये देखिए 2 सेम लाइन लेना है। जैसे कि आपको दूसरे टाइप का एरो बनाना है तो आपको 2 सेम लाइन लेना है और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना है। ठीक है, और इसको ऐसे करना है। अब जूम आउट कर देते हैं। अब इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस जगह एक पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को चाहो तो आप इस एरो का कहीं भी इस्तेमाल अगर करते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्लिक करना है। पॉइंट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह का एरो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पूरा जो फंक्शन है, इस तरह का एरो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहो तो इस पॉइंट पे क्लिक करके इस तरह का भी एरो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का भी एरो इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहो तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करके इस तरह का भी एरो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एरो कैसे बनाना है वो भी दिखा दिया। कलर इसका भी चेंज कर सकते हैं, सेम तरीका है। ठीक है, अब एक लाइन आपको और लेना है। अगर आपको एरो इस तरह का बनाना है
ठीक है, ये जो साइज आपको दिखा रहा हूँ बना के, इस तरह का बनाना है एरो। तो आपको क्या करना है, इसको इसको मैं डिलीट नहीं करता हूँ, थोड़ा जूम इन कर, इसको सिर्फ ऐसे आपको अंगुली से आपको लाइन सेव करना है, जैसे मैं अभी करके दिखाया, ये अपने आप सेव हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस तरह का एरो इस्तेमाल करना चाहते हैं फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, इसका लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आप इस ड्राइंग को अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर में ये जो आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करें, ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऊपर में एक्सपर्ट का एक्सपर्ट लिखा हुआ है, तो उस एक्सपर्ट पे क्लिक करें। ऊपर लिखा हुआ है सेव टू गैलरी, ठीक है, तो सेव टू गैलरी सेव भी कर सकते हैं आप, एक्सपर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट में अगर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये देखिए आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, JPEG में डाउनलोड कर सकते हैं, PNG में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल सिंपल तरीके से सेव गैलरी में क्लिक करते हैं, सेव टू गैलरी में, ये डायरेक्ट सेव टू गैलरी में आपका डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको गैलरी में ले जाके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए ये आपका सेम चीज़ गैलरी में डाउनलोड हो चुका है, देखिए कितना क्लियर डाउनलोड हुआ है। और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो मैं इस वीडियो को दोबारा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।